नमस्कार, ब्योम टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे बीच जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष आजमल अंसारी जी हैं, जो समय के अनुसार सभी जगह समस्याएं जितनी भी रहती हैं उनको दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसी बीच जीटीएस कंपनी आकाश किनारी कैलूडी में है, जहां पर हमेशा समस्याएं उत्पन्न रहती हैं, मजदूरों को जो मांग है वो पूरा नहीं हो पाता। देखिए, शुरू से ही आप लोग जानते हैं कि मेरा मंशा क्या रहा है कि यहाँ के आम जनता जो खास करके जो है बेरोजगार नौजवान है उसको कैसे नियोजन दिलाया जाए, रोजगार कैसे दिलाया जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री का भी सबसे बड़ा चैलेंज भी रहा है झारखंड के लिए, जो जिन्होंने 75% स्थानीय लोगों को जो है रोजगार देने का जो है निजी क्षेत्र में जो है पारित किया है, विधानसभा में कानून हम लोग के लिए बनाया है। पर कहीं ना कहीं बागमारा का स्थिति जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि हम लोग बार बार मांगने के बावजूद भी जो है यहाँ का 75% नियोजन नहीं मिल रहा, बहुत दुर्भाग्य है। और खास करके यहाँ के जो आउटसोर्सिंग कंपनियाँ कुछ कंपनियाँ हैं जो जानबूझ करके यहाँ के स्थानीय लोग को न रोजगार देना चाहती है और ना ही HPC जो है हाई पावर कमेटी के साथ जो है भुगतान किया जाता है। यहाँ के लेबर जो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जो ड्यूटी करते हैं उसको फुल पेमेंट नहीं मिलता है, बिचौलिया लोग मिल करके जो है आम मजदूरों का पैसा जो है खाने का काम करता है। तो वही जो है हम लोग बात उठाने का काम करते हैं। हम लोग अगर आम जनता का जो है सवाल बन करके जब खड़ा होते हैं तो कुछ लोग को जो है बहुत बुरा लगता है। कल ही का बात है, हम लोग को एक नोटिस मारे GTS कंपनी में, तो GTS कंपनी के एजेंट वगैरह को Area 3 का जो है GM को एजेंट को भी हम लोग जो है सूचना दिए कि इस तरीका से है, यहाँ के स्थानीय लोग को जो है रोजगार नहीं मिल रहा, आप 75% नियोजन दें, साथ ही साथ जो है HPC के तहत जो है आप वहाँ के लेबर को भुगतान करें, साथ ही साथ जो है बहुत सारे अन्य मुद्दे थे जो आम जनता के लिए, जैसे पानी जो बिजली जो उसका अधिकार है वो भी आज तक नहीं मिल रहा है, हैवी ब्लास्टिंग होता है और ऐसा बहुत सारा चीज है जो वहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसका तहत तो जो है हम लोग मांगने की कोशिश किए। तो एजेंट साहब को GM साहब को लिखित हम लोग सूचना दिए थे 4-5 दिन पहले, तो हम लोग को लिखित तौर पर कल हम लोग को बुलाया गया था 18 तारीख को के पाए और हम लोग वार्ता करेंगे, जो भी समस्या है उसको समाधान करेंगे। हम लोगों ने वहाँ जा करके जो है GM साहब एजेंट Area 3 के साथ हम लोग बैठकी करने का जो प्रयास किए और कंपनी के भी YK सिंह साहब थे वहाँ पर, मगर जो है उसके साथ ही साथ जो है वहाँ एक कमेटी चलती है और वो कमेटी कोई वैध नहीं है, अवैध तरीका से कमेटी चल रही है और वो कमेटी आकर के कल जो है उस मीटिंग को जो है विफल करने का प्रयास किया। और पहले ही हम सूचना दिए हुए हैं कि वहाँ जो है गुंडा तत्व के लोग जो है कमेटी चला रही है, जो इस तरीका से कमेटी आज तक कहीं नहीं चला है और जो कमेटी चला करके अपना मनमानी कर रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग को जो है यहाँ के रैयतों को जो है रोजगार नहीं दे रहा है। आज जो है मान के चले बाहर से लोग आकर के जो है यहाँ पर हम लोग को चैलेंज दे रहा है, तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। हम इसका सूचना जो है SSP साहब को भी जो है हम दे चुके हैं और हम लोग बहुत जल्दी जो है या 26-27 तारीख को जो है हम लोग ऐतिहासिक बंदी होगा, जो बागमारा में आज तक ऐसा कहीं बंदी नहीं हुआ होगा। आज GTS कंपनी के जो है जो अपना अड़ियलपन दिखा रहा है, गुंडा लेकर के जो है कंपनी चलाना चाह रहा है, तो उसको इस बार जो है उसको अपना औकात दिखा देंगे कि क्या वो अपने आप को समझ रहा है। तुम अपना देखो कितना, कल जो है एजेंट ऑफिस में गाली गलौज करके निकल गया उसे गुंडा लोग, तो ये एजेंट और कंपनी का जो है YK सिंह ये सबके साजिश के तहत वहां लोग को बुलाया गया था। इसका जो है हम लोग लिखित तौर पर जो है हम लोग आज पूरे BCCL को भी दे रहे हैं, प्लस जो है प्रशासनिक में भी दे रहे हैं, DC को भी दे रहे हैं और 27 तारीख को अनिश्चितकालीन चक्का जाम जो बंद होगा, टोटल मुद्दा नहीं खत्म हो, नहीं जब तक खत्म होगा आम जनता का समस्या, वो आंदोलन समाप्त होने नहीं होगा इस बार किसी भी हाल में जो है। इस बार अगर आम वहाँ जो जितना लेबर काम कर रहा है, अगर HPC नहीं मिलता है सबको, तो कंपनी को वापस जाना होगा। हमारे दर्शक जानना चाहती है कि हाल ही में कुछ घटना घटा था वहाँ पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा फाड़ा गया था, कर्मियों को मारा गया था, उनके समर्थकों को मारा गया था,
उसके बाद एक वार्ता हुई थी दोनों के साथ, वो वार्ता में क्या हुआ था? देखिए वार्ता तो आप लोग समक्ष साहब सामने हुआ था इंटरव्यू के साथ, जो है उन्होंने जो है अपने बात को स्वीकारा था कि चलिए हमसे गलती हुआ है, तो ठीक है इंसान है तो हम लोग एक दूसरे को एक बार मौका दिया देना चाहिए और दिए भी, और 5-6 नियोजन दे करके जो है एकदम चुप मार दिया है। बाहर बाहर से लोग असम के लोग जाकर के वहां काम कर रहे हैं, असम के लोग को जो है HPC मिल रहा है, असम के लोग को 30-35 हजार पेमेंट मिल रहा है, 40 हजार पेमेंट मिल रहा है, और यहाँ के लोग को जो है 10-12 हजार बंधुआ मजदूर की तरह जो है खटाया जा रहा है। इसका आवाज उठाना अगर गलत है तो बताए हमको। इसी बात को कल जो हम चर्चा उठाए तो वहाँ जो है कुछ गुंडे लोग जो है वहाँ जो है हाहाकार मचा दिया। क्यों हो रहा है? कंपनी सबसे बड़ा गलती क्या कर रही है कि कुछ लोगों को मिला करके उसके अनुसार से कंपनी चलवा रही है। आप जो है BCCL को फुल भुगतान के साथ यहाँ से लिस्ट भेज रहे हैं कि यहाँ का टोटल मजदूर को फुल भुगतान दिया जा रहा है, और आप पेमेंट जो है मजदूरों को जो है हाफ कर रहे हैं, 12 हजार कर रहे हैं, 10 हजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा साजिश है, कंपनी के कुछ लोग मिले हुए हैं। बाकी पैसा का क्या होता है? बाकी पैसे बिचौलिया लोग खा रहे हैं। कौन है बिचौलिया? वहाँ के लोग है जो गुंडागर्दी करने में पूरा जिनके साथ अगला बार आप लोग सब जान। क्यों नहीं HPC दिया जा रहा है? HPC तो देना होगा आपको। अगर HPC नहीं दीजिएगा, 75% नियोजन नहीं दीजिएगा, आप यहाँ काम करने का अधिकार नहीं है आपको। आप अपना जाइए जहाँ काम करना कीजिए। और भी बगमारा में काम चल रहा है, कैसे सबको पेमेंट मिल रहा है, कैसे HPC मिल रहा है, कैसे 75% नियोजन मिल रहा है, आप कौन होते हुए कि उसको रोकने वाले? गुंडा तत्व तो मिल करके जो है आप जो है इस कंपनी को चलाना चाहते हैं, इस पर बर्दाश्त नहीं। कितना गोली बारूद है इस पर हम लोग देखना चाह रहे हैं। दूसरे तरफ के लोगों का कहना है कि आप बराबर जाते हैं, उस आउटसोर्सिंग को डिस्टर्ब करते हैं, इसमें आपका मनसा दूसरा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं। 5 नियोजन मिला ना हम लोग को, 10 नियोजन देने का बात था कि एक बार में आप लोग 10 नियोजन देंगे। अपना बात से हम काम कर रहे हैं, उसके साथ जो है हम सहूलियत दिए वैसे व्यक्ति को कि हमको कभी नहीं बोल पाया कि अजमूल हम लोग मेरा बात नहीं सुना। हमने सुना बात उनका, मगर हमारा बात उन लोगों ने नहीं सुना। 10 नियोजन दुर्गा पूजा के लास्ट में आप लोग देखे होंगे इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि 10 नियोजन दुर्गा पूजा के लास्ट तक हम लोग यहाँ के लोगों को 10 नियोजन देंगे। अभी और भी धीरे धीरे जब पैच बढ़ेगा तो और भी नियोजन देंगे, मगर अभी देखिए क्या है, नियोजन नहीं दिया जा रहा है। बाहर से लोग ला करके यहाँ खटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ना। हम अपने बात में अटल है। आज हमको मजबूरन बाध्य होकर के जो है हमको आज उतरना पड़ रहा है, मजबूरन है। हमको शौक नहीं लगा हुआ, और भी मेरा बहुत काम है, जनता के बीच में हमको बहुत सारा काम करना है, मगर सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का। कहीं ना कहीं आप क्या चाहते हैं? वो रोजगार के साथ साथ HPC आपको किसी हाल में देना होगा। क्या क्या मांगे हैं? रोजगार सब लेटर पेड में लिख दिए हुए हैं, 13-14 मांग है, वो सारा पूरा हो और कल हो सकता है सब चीज जो यानी आप लोग 29 तारीख को आग पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। 27 तारीख को हाँ। हम लोग 27 तारीख को देखना चाह रहे हैं कि उन लोग के पास जो कंपनी गुंडा जो पाला हुआ है उसके पास कितना गोली बारूद, कितना बम है, हथियार है, वही हम लोग देखना चाह रहे हैं। आप प्रबंधन और आउटसोर्सिंग के जितने भी पदाधिकारी उनको क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो नियम है, जो कानून है, उसके साथ GM और एजेंट को कह रहे हैं कि आप कंपनी को चलवाइए, अन्यथा जो है अगर आप नियम के विरोध अगर काम कीजिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आदेश दिया है, हमारे से जितने कितने प्रतिनिधि हैं सभी लोग को आदेश दिया है कि स्थानीय लोग को जो रोजगार नहीं दे रहा वैसे कंपनियों को बंद करो। आउटसोर्सिंग के पदाधिकारी को यही कहेंगे कि आपस में एक वार्ता कर ले और इसको ज्यादा से ज्यादा सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। धन्यवाद।